अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और साथ में पॉलिटेक के जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों के साथ साथ जितने भी अध्यापक सिलेबस पूरा करा रहे हैं, सभी स्टूडेंट को अपनी क्लास रेगुलरली जारी किए हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा चुनौती भरा और कार्य अब हो गया है इनके लिए। तो देखिए क्या न्यूज़ है कि पॉलिटेक्निक 6 महीने का सिलेबस 3 माह में, यानी 6 महीने का भाई सिलेबस 3 माह में करना है कंप्लीट। तो छात्रों को इस तरह से 6 महीने में पढ़ने होते हैं सिलेबस, उसको 3 महीने में पढ़कर कंप्लीट करना, याद करना, पूरा करना, ये भी एक चुनौती है। और अध्यापक के लिए भी है 3 महीने का कोर्स जल्दी 3 महीने में, सॉरी 6 महीने का कोर्स 3 महीने में ख़त्म करना भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौती भरा कार्य है। तो चैनल को पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको छोटी छोटी अपडेट यूट्यूब की ओर से जो भी मिले सबसे पहले नोटिफिकेशन जरूर आपको मिले। तो कानपुर की न्यूज़ है, कल शाम को आई थी लगभग 7-8 बजे। तो न्यूज़ है, कोरोना ने पॉलिटेक्निक छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित कर दिया है और सेमेस्टर के जिस सिलेबस को 6 माह में पढ़ते और सीखते हैं उस सिलेबस को आधे समय यानी सिर्फ 3 माह में पूरा करना होगा। इसे लेकर छात्र परेशान हैं और पॉलिटेक्निक संस्थानों में इस बार सम सेमेस्टर की कक्षाएं 16 अप्रैल से शुरू हुई जो निर्धारित शेड्यूल से काफ़ी पीछे चल रहा है। और आपको पता है जिसकी क्लास जो है आप सभी की पॉलिटेक्निक 16 अप्रैल से शुरू हुई, और आपको पता है जिस हिसाब से पॉलिटेक्निक B2B बोर्ड ने जो है अपना शेड्यूल तैयार किया था उससे काफ़ी पीछे है। और लिखा है कि सेमेस्टर की शुरुआत में कोर्स तो तेज़ी से पूरा कराने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाई कराई गई, लेकिन संक्रमण बढ़ने पर ऑफलाइन और फिर 5 मई से ऑनलाइन कक्षाएं बंद हो गई। आपको पता है ऑफलाइन भी क्लासेस चली थी कुछ दिन, फिर बंद कर दी गई, फिर ऑनलाइन भी चली थी 5 मई के बाद बंद कर दी, फिर 20 से शुरू किया गया था। और मामले घटने के बाद 20 मई से ऑनलाइन कक्षाएं फिर शुरू कर दी गई, लेकिन ऑफलाइन कक्षाएं बंद हैं। ऐसे में शिक्षकों के सामने सिलेबस को तय समय में पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं है। और निदेशक मनोज कुमार के मुताबिक प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में अगस्त के पहले सप्ताह तक कोर्स पूरा कर लिया जाता है। आप जो यानी जो आपका अगस्त का फर्स्ट वीक है, जुलाई अभी आपका जून चल रहा है, जुलाई मतलब अभी 2 महीने में इनको पूरा कंप्लीट कोर्स पूरा करना है, जो कि चुनौती बड़ी पूर्व कार्य है। और साथ में आपको पता है ना ही समर ट्रेनिंग हो पा रही, ना ही वैकेशन ट्रेनिंग हो पा रही है, ना ही स्पेशल कोई स्टूडेंट सीख रहा है। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का भी स्किल बहुत कम हो रहा है और आई थिंक बहुत समझ लीजिए जीरो हो जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ें स्पेशल कॉलेज में जाकर सीखने को मिलती थी और समर ट्रेनिंग वैकेशन ट्रेनिंग में जाकर इंडस्ट्रियों में मिलती थी सीखने को, सब नहीं मिल रहा है 2 साल से स्टूडेंट को। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती ही समझ लीजिए, प्रॉब्लम ही समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इससे जो है सीख नहीं पा रहे हैं और उनकी स्किल बहुत जीरो हो गई है। तो चलिए, अगर कोई अपडेट और आता है रिजल्ट से रिलेटेड, अभी रिजल्ट से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं अगर आएगा तो मैं आपको एक वीडियो कल बना के दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।